तो लगातार यहाँ पर भीषण गर्मी बनी हुई है और उसके साथ साथ जो दिल्ली का जल संकट है वो भी गहराता जा रहा है। राजधानी दिल्ली में जल संकट गहरा रहा है। ये संकट दिल्ली के VIP इलाकों तक भी पहुंच चुका है। NDMC के मुताबिक अब लुटियंस दिल्ली में भी पानी की आपूर्ति में कटौती होगी। पानी की इस समस्या को राजधानी में पड़ रही भीषण गर्मी ने और भी प्रचंड बना दिया है। वहीं दिल्ली पुलिस लगातार पाइपलाइनों की रखवाली कर रही है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने इसी सिलसिले में वजीराबाद बैराज का निरीक्षण भी किया। जल संकट पर सियासत भी तेज हो चुकी है। दिल्ली की आप सरकार जहां हरियाणा सरकार को इसके लिए जिम्मेदार मान रही है, वहीं भाजपा और कांग्रेस इसे आपकी नाकामी बता रही है। ओखला में हालात इतने गंभीर हैं कि लोग पूरा दिन पानी के टैंकर का ही इंतजार करते रहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कॉलोनी में टैंकर भी नहीं आते, ऐसे में जनजीवन खासा प्रभावित हो रहा है। तो राजधानी दिल्ली में लगातार जल संकट गहराता जा रहा है। दिल्ली के कई इलाकों से लगातार मुश्किलों वाले तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर लोग घंटों पानी का और पानी के टैंकरों का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। और उनका ये कहना है कि उनकी जो दिनचर्या है, जो आम जनजीवन है, वो पूरी तरह से ठप हो गया है। वो दिन भर सिर्फ पानी की ही राह देखते हुए रह जाते हैं। और अब लुटियंस दिल्ली में भी पानी की कटौती होगी, यानी कि NDMC का कहना है कि अब दिल्ली के जो VIP इलाके हैं वहां भी पानी के संकट की आंच नजर आ रही है। भीषण गर्मी और पानी नहीं, मुश्किल में दिल्लीवासी। बहुत समस्या है यहाँ पे पानी को लेके। दिन में कितने टैंकर आते हैं? ये सुबह सुबह 2-3 ही टैंकर आते हैं पूरे अंदर, बहुत कॉलोनी में एक भी टैंकर नहीं जाता ना, सप्लाई का पानी आता है। अरे बस ये 2-3 ही टैंकर आते हैं यहाँ पे, और किसी को एक टंकी मिला, किसी को 2 टंकी मिला बस। अरे बहुत परेशानी है, क्या करें, पूरा दिन पानी में चला जाता है। अब बच्चे काम पर कब जाएंगे? पानी को लेकर बच्चों की पढ़ाई पे भी, सब पढ़ाई पे, काम पे सब परेशानी है। देश की राजधानी दिल्ली में जल संकट की वजह से कई इलाकों में लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। दिल्ली सरकार ने हरियाणा से पानी छोड़े जाने को लेकर कई सवाल उठाए हैं, लेकिन क्या वाकई में हरियाणा से दिल्ली को पानी नहीं मिल रहा है? क्या है मुनक नहर की वास्तविकता? इसका जायजा लिया संवाददाता गिरीश निशाना ने दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर स्थित हरेवली गाँव का, जहाँ से मुनक नहर का पानी दिल्ली में आता है। तो मुनक नहर है जहां से हरियाणा के जरिए दिल्ली में पानी आता है। लगातार यहां पर दिल्ली में जो जल संकट है उस पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ऐसे में दिल्ली की सरकार का कहना है कि उन्हें हरियाणा से पानी नहीं मिल रहा है। क्या है ग्राउंड जीरो की वास्तविकता, आइए देखते हैं। देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों जल संकट से जूझ रही है। जल संकट के लिए जिम्मेदार हरियाणा को भी बताया जा रहा है, लेकिन क्या है वास्तविक स्थिति, इसका जायजा लेने हम खुद पहुंचे हैं मुनक नहर पर। और इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पर, और यहां पर आप देख सकते हैं ये वही मुनक नहर है जिस पर दिल्ली सरकार ने सवाल उठाए हुए थे कि हरियाणा पानी नहीं छोड़ रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो ये मुनक नहर के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है और ये पूरा पानी दिल्ली की तरफ जा रहा है। हम इस पुलिया पर मौजूद हैं और इस पुलिया से आप मेरे दाहिने ओर देखेंगे तो ये जो रास्ता है दिल्ली की तरफ जा रहा है और दिल्ली की तरफ ये पूरा पानी जा रहा है। आप इसके किनारों को भी देख सकते हैं किस तरह से पानी पूरा भरा हुआ है। पर्याप्त मात्रा में हरियाणा की तरफ से पानी दिल्ली के अंदर आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर दिल्ली के अंदर पानी की कमी क्यों हो रही है, जब मुनक नहर के अंदर दिल्ली के अंदर पर्याप्त मात्रा में पानी आ रहा है। तो क्या स्टोर की कमी हो रही है या कोई अन्य वजह है? क्या जो जल प्रबंधन है वो सही से नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से देश की राजधानी दिल्ली में लोगों को जूझना पड़ रहा है पानी की एक एक बूंद के लिए? दिल्ली के कई इलाकों में तो जो लोग हैं वो केवल टैंकर के ऊपर पूरी तरह से आश्रित हो रखे हैं। जब टैंकर आता है तो वो पानी भरते हैं और उनकी दिनचर्या चल पाती है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर DD न्यूज़ की टीम पहुंची हुई है और आप यहां देख सकते हैं कि लगातार जो हरियाणा की तरफ से पानी है वो दिल्ली के अंदर पर्याप्त मात्रा में जा रहा है, छोड़ा गया है। लगातार ये सिलसिला जारी है, बावजूद इसके दिल्ली के अंदर जल संकट गहराया हुआ है। क्या वजह है इसकी समीक्षा होना भी बहुत जरूरी है।
कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज दिल्ली।